ये दादी और नानी का प्यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। आज है 14 जुलाई और आज है हमारे भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। देखिए सुबह सुबह सबका आशीर्वाद लिया जा रहा है। पापा हैप्पी बर्थडे बोला। तो आप सब भी आज कमेंट बॉक्स में खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। तो दोस्तों अभी नहा कर आ चुके हैं और भाई की पसंद का जा रहे हैं, कुछ भाई की पसंद का बना देते हैं ना, देख के खुश हो जाएगा। अभी वो पूजा करने में लगा हुआ है, तो मेरे बर्थडे में मेरे पसंद की चीज बनती है और उसके बर्थडे में उसके पसंद की चीज बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए हनुमान जी के मंदिर आ गए हैं और ये मंदिर हमारे ही गांव में है बालाजी का। आप सब भी बालाजी का आशीर्वाद ले लीजिए दोस्तों। शंकर भगवान जी का शिवलिंग भी यहां पर जो है बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए शंकर भगवान जी का मंदिर और ये है भोले बाबा की शिवलिंग और ये यहां पर नंदी बाबा जी बैठे हुए हैं। ये है ढाकेश्वर बाबा मंदिर और साथ में यहाँ पर ये स्कूल भी है, प्राइमरी जो गाँव में स्कूल होते हैं वो स्कूल है यहाँ पर। पर फूलमती माता के भी दर्शन कर लेते हैं और माता का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो भाई अभी मंदिर में पूजा करने में लगा हुआ है और हम यहाँ पर उसकी पसंदीदा चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि मुझे भी पसंद है और भाई को भी पसंद है और वैसे आप सबको भी पसंद ही होगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी, ये देखिए आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो उधर हम मैगी बना रहे हैं और इधर मम्मी लगी हुई हैं कुछ बनाने के लिए, जो कि आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने चीनी लिया था, उसमें डाल दिया है रवा यानी कि सूजी और उसके बाद इसमें डाल रही हैं गेहूँ का आटा। तो इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको बना करके घोल बना के मम्मी रख देंगी आराम से 2-2.5 घंटे के लिए। तो इसको ना जितना अच्छे से फेटोगे उतना ही अच्छा है, हमारे जो गुलगुले हैं वो बनेंगे। तो हाँ इसमें हम बनाएंगे गुलगुले और बहुत ही टेस्टी गुलगुले बनते हैं अगर आप सूजी डाल करके बनाओगे तो। तो मम्मी देखिए किस तरीके से इसको फेंट रही हैं, कम से कम लगभग मम्मी ने इसको 10-15 मिनट तक अच्छे से फेंटा होगा, तो तब जा करके ये इस तरीके से देख रहे हो आप कितना ज़्यादा फ्लफी हो गया है ना। अभी ये रखने के बाद और भी ज़्यादा फूलेगा, 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा मुबारक हो ललना के घरी रे, मुबारक हो आजी लुट बाबा लुटा। हो गई पूजा? हाँ पूजा हो गई। देखो कुछ बनाया तुम्हारे लिए, हमको पता चल गया क्या बनाया। क्या हमें लगता है मैगी बनी? कैसे जान लो? अच्छा ये गलती कर दिया हमने, यहाँ पर ये वाले चम्मच रख दिए ना तो पता चल गया। ये देखो मैगी बनी है आज। ये देखो कैसी लग रही? मैगी तो हमेशा अच्छी ही लगती है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया बने, टेस्टी टेस्ट बहुत अच्छा है। चलो अम्मा मस्त लग रही। चलो तो लीजिए दोस्तों आप सभी खाइए भाई के बर्थडे पे सबसे पहले मैगी। अच्छी सिलेक्ट करनी है, जो उठा लेंगी वही आएगा। तो अम्मा के लिए एक टास्क है, अम्मा जौनी पर्ची तुम उठाई हो वो के अंदर एक आदमी की फरमाइश लिखी है, तो जौनी पर्ची उठाई हो वह फरमाइश वाला जीती, तुम्हारे ऊपर है तुम कहीं का जीते हो। तो यहाँ पर हमने दोनों रख दिया है, तो देखते हैं अम्मा ने कौन सा उठाया है। मिलके उठा है दोस्तों, भाई का मन था कि इस बार मम्मी के पसंद का लेकर आएंगे, तो हमने कहा चलो ये कागज में लिख करके अम्मा को देते हैं, जो उठा लेंगी अम्मा बस वही आएगा, क्योंकि लगता है भगवान की मम्मी तो बोल रही है कि अपनी पसंद का ले आओ। हाँ लेकिन अब हम लोग ये लेंगे क्योंकि अम्मा से उठवाया है और एक बार मम्मी की पसंद का भी आ जाता है, हमारे बर्थडे में तो बेकरी वाला आया ही था। तो अब मम्मी बनाने जा रही है गुलगुला, देखे कितना अच्छा देखे फूल गया है ना, और इधर रख दिया है रिफाइंड गर्म होने के लिए। अभी तो ये गुलगुले बन रहे हैं, उसके बाद एक और चीज़ बनेगी जो आज के दिन वो भी ज़रूर बनाई जाती है। तो मम्मी डालती जा रही थी और हम इनको पलट रहे थे, तो मम्मी हमको बता रही थी। तो देखिए दोस्तों गुलगुला बनने में सोहर गाए जाते हैं, अम्मा लोग गा रही हैं।
की सुंदरी रे ये हो सुंदर चढ़ी गई पिया की माँ ये तो माया की बारो दोस्तों अभी देखिए गुलगुला बन चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने बनाई है कढ़ी और इधर सब्जी बन रही है और देखिए धूप यहाँ तक आ चुकी है और टाइम काफी हो चुका है, मतलब देखिए 1:30 बज चुके हैं सब बनाते बनाते। ये देखो ये बन गई कढ़ी पकौड़े वाली, इधर ही आलू की सब्जी, इधर देखिए चावल भी रखे हुए हैं। कढ़ी जरूर बनाई जाती है, कढ़ी लड़का को बनाई जाती है सगुन हुआ। दोस्तों खाना बन रहा है और आप सब भी आज खाने पर इनवाइटेड हो, आ जाओ खाना खा लो आके। तो दोस्तों चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं और ये देखिए हमारा टेस्टी सा खाना, कढ़ी आलू की सब्जी चावल और रोटी। आ जाइए सब लोग खा लीजिए आ करके। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 5:00 और यहाँ पर अब अम्मा करने जा रही है पूजा और ये पूजा बहुत स्पेशल है, ये जरूर होती है, बाकी और सारी हो जाए ना हो लेकिन ये सबसे जरूरी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कलश रख दिया गया है, यहाँ पे गणेश जी भी बैठे हैं और अब अम्मा यहाँ पे भाई को टीका लगाएंगी। और ये अब दूध पिलाया जाएगा और ये पूजा सूर्य अस्त ना हो उससे पहले ही हो जाती है। तो ये देखिए पी डालो ये मिल गए गुलगुले। अरे पैसे मिल गए, पैसे है ना, भगवान के थ्रू थी अम्मा के अप्रिया। अब अम्मा से आशीर्वाद लो, खुश रहो बच्चा, डूबे बहुत गर्मी, पंखा बंद है ना, नहीं तो दीपक बुझ जाए। ये लो सबसे पहले गुलगुले का है अम्मा, कहे तो बड़े भागते वो दिन आवत और का सही, हम भी टीका लगा देते हैं। थैंक यू। ये देखो और मम्मी अपने रंग लगा रही हैं उधर, हम लगा दे रहे उनके बेटिया कुछ खवावा जाए ले गुलगुला कुछ। ये दादी और नाती का प्यार, वाह अम्मा ने किस कर दिया, वेरी गुड। ये देखो ये और यहाँ पे मम्मी ने हमारे भी रंग लगा दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं केक कट करने के लिए और आज हमने ये सूट पहना है और बहुत टाइम बाद आज सूट पहना है, आज सूट पहनने का मन कर रहा था। ये देखिए कैसा लग रहा है और सबसे पहले हम ही तैयार हुए हैं, बाकी लोग अभी तैयारी हो रहे हैं। ये देखो हम अभी चोटी वोटी कर रही हैं, हमारी पाउडर ऑर्डर लगा के तैयार हो जाएं। चांदा है गिर गया तुम तो पूरा। यहाँ पर मैं टेबल वगैरह तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुका है हमारा बर्थडे का केक, ये देखिए मिल्क केक है जो कि सबका फेवरेट है। ये देखिए यहाँ पे 14 जुलाई लिखी हुई है 2024। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले आप लोगों के लिए डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। कैसा लगा अम्मा? बहुत ऐसा लगा लियो को उठा।
तो दोस्तों कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और कल वीडियो का एंड नहीं कर पाए थे तो आज कर रहे हैं, और कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आज ना मामा का फोन आज आया है बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि वो लोग ना जम्मू गए हुए थे, तो उस दिन जब हम लोग गए थे मामा के यहाँ तो छोटे वाले मामा के यहाँ नहीं जा पाए थे, छोटे वाले मामा जम्मू गए हुए थे वैष्णो माता के दर्शन करने, तो उनका जो है इसीलिए हम लोग उनसे मिल नहीं पाए। आज उन्होंने कॉल किया था बर्थडे विश करने के लिए, तो वही बात कर रहे हैं भाई से, और आज आ गए हैं वो लोग लौट करके। तो कल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।